बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो भारत रत्न थे, उनका जन्म 132वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो बहुत बड़े रिफॉर्मर थे हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया, और उस वक्त लाया जब हिंदुस्तान में जातिवाद चल रहा था और तरह तरह की बातें चलती थी, नीच और ऊंच की बात चलती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा रिफॉर्म लाया जिसमें हम सबको बराबर कर दिया। ये छूतछात वाली बात ही नहीं रही, सब हम एक दूसरे आपस में भाई भाई रहे। और आज यही वजह है कि जो उन्होंने आदर्श और जो रास्ता बताया, आज पूरा हिंदुस्तान उसी रास्ते पर चल रहा है। आपसी भाईचारा हम मौजूद कर रहे हैं। आज कोई यहाँ कोई फ़र्क नहीं है आपस में कि ये कोई दूसरी जात का है या इस जात का है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो बाबा साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी सरपरस्ती में बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हक हकूक बराबर रखे गए, राजा और रंक उन्होंने एक लाइन पे खड़ा कर दिया, गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं रखा गया। यही सबसे बड़ी देन है कि आज हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक जो नाम दिया गया हिंदुस्तान का, आज उन्हीं की देन है। लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जिसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है, चुनाव कैसे होंगे, रिपब्लिक जहाँ फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, हर आदमी को किस ढंग से इस मुल्क को चलाना है, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी दुनिया में के लिए एक मिसाल बना हुआ है। तो ये सब उन्हीं की देन है। आज उन्हीं का ये शुभ दिन मना रहे हैं। आज हम सबसे यही अपील करेंगे कि जो उन्होंने रास्ता बताया था, जो उनके सपने थे, आज हमें वो पूरे करने हैं। ये हम आज के दिन यही बात ऐड करते हैं और यही एक अज़म लेते हैं कि हम उनके रास्ते पे चलेंगे। जय हिंद, जय जम्मू।